चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म. ठीक है, लिखो फोर्थ फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन? ठीक है, मतलब मेरे को दोनों के दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों, राइट? तो वो इक्वेशन निकालनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है. तो देखो, मान लो एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट है ए, ए नेगेटिव हुआ, अपने आप ये चीज इधर आ जाएगी अपने आप, एंड वाई इंटरसेप्ट है बी, बी नेगेटिव हुआ, अपने आप ये नीचे चला जाएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइन ऐसी जाएगी अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव. लाइन ऐसे जाएगी अगर एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव. लाइन ऐसे जाएगी अगर एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव. और लाइन ऐसे जाएगी अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव. चारों केसेस को ये कवर अप करेगा. ठीक है, तो इक्वेशन के अब देखो अगेन, जो पहले चीजें यूज कर चुके हैं उन्हीं को यूज करेंगे हम, राइट? और स्टैंडर्ड हमारा क्या है, पॉइंट फ्लो फॉर्म, उसी के ऊपर पहुंचेंगे. ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए कोमा जीरो, एंड ये पॉइंट क्या आ जाएगा. तो भैया हमें वो लाइन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, तो टू पॉइंट फॉर्म आ गई, ये तो टू पॉइंट फॉर्म बन गई. तो क्या इक्वेशन आएगी, लेट्स से दोनों में से एक पॉइंट यूज करना है, तो ये बना सी वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस That is equal to slope of this line. और स्लोप क्या जाएगा, डेल्टा वाई बाय, तो दैट इज बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय जीरो माइनस ए, तो दैट इज वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस बी वाई. ए इधर गया तो ए वाई माइनस ए बी, दैट इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एक्स, तो माइनस बी एक्स. इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ए वाई प्लस बी एक्स दैट इज इक्वल टू ए बी. अब ए बी से डिवाइड कर दो, राइट? तो डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये तो कटके वन आ गया. और इधर क्या गया, ए बाय बी, ए डिवाइडेड बाय ए बी, ए कटा तो क्या आ गया, वाई बाय प्लस बी कटा तो एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू वन. ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी. नाउ व्हाट इज दिस, एक्स ए क्या था, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, तो ये इक्वेशन क्या बनी, एक्स डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y दैट इज इक्वल टू 1. अब ये इक्वेशन तब लग सकती है जब जो डिनोमिनेटर में a एंड b या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ रहा है, ये जीरो नहीं होने चाहिए. अगर जीरो हो रहे हैं तो मेरे को ये वाली इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर ये न्यूमरेटर में आ रहा है. ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का मोटिव तभी होता है ना जब वो नॉन जीरो हो. अगर वो जीरो हो गया तो ये इसी पे रुक जाओ, यहीं पे पुट करो. अगर वो नॉन जीरो है तो यहां पे जाओ. तो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्लियर हुआ. मान ले अगर एक्स इंटरसेप्ट जीरो दे रखा है तो ए जीरो हो जाएगा, तो मैं यहां पे पुट नहीं कर सकता, ए जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा डिनोमिनेटर में जीरो. तो इन दैट केस इसके अंदर ए जीरो पुट करना है. क्लियर हुआ? अच्छा, नाउ पॉइंट इज एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट. तो लेट्स से ए एंड बी, माइनस टू थ्री फोर टू फाइव फोर एंड फाइव माइनस फोर एंड माइनस टू माइनस वन. तो इसकी क्वेश्चन क्या जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू विद साइन प्लस वाई डिवाइडेड बाय थ्री दैट इज इक्वल टू वन. इसका एक्स डिवाइडेड बाय फोर प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू दैट इज इक्वल टू वन. इसका एक्स डिवाइडेड बाय फाइव प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस फोर दैट इज इक्वल टू वन. इसका x डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन. ये क्लियर हुआ? x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू वन. तो x बाय इसका x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू वन. x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू वन. x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू वन. x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू वन. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर. राइट, यस सर. नोट करो, नोट करो, शाबाश. इसके दो स्पेशल केसेस आएंगे अभी.
अब कोई भी लाइन है, फर्स्ट केस उसके इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है, सेम। इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो वाई इंटरसेप्ट भी, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव तो वाई इंटरसेप्ट भी, बात समझे। अब दूसरे केस में आ रहा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब क्या है, लेंथ इक्वल है, साइन जो मर्जी हो। तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है टू, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव टू दोनों हो सकता है। अगर वाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस टू है तो y इंटरसेप्ट प्लस टू माइनस टू दोनों हो सकता है, और अगर x इंटरसेप्ट माइनस टू है तो अगेन y इंटरसेप्ट प्लस टू माइनस टू कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस, इस केस में दो आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो इस केस में एक ही आएगा, तो अज्यूम करो इसके अंदर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब यह है कि अगर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव a ही होगा। तो यानी कि अगर ये 0, a से पास करे तो इधर किससे पास करेगी, 0, a से, सॉरी ये 0 आएगा ना, ठीक है, ये 0 से पास करेगी तो ये 0, a से पास करेगी। तो ये वाली जो लाइन है, अब खुद सोचो इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस की लेंथ a, हाइट की लेंथ a, तो ये एंगल कितना जाएगा 45, दोनों को डिवाइड कर, हाइट और बेस अगर बराबर हो तो tan थीटा क्या आएगा, दिस बाय दिस a, a कटेगा तो 1, तो ये 45 degree, तो ये कितना आएगा, और ये स्लोप से भी निकाल सकते हैं, इसका m क्या जाएगा, a माइनस 0, 0 माइनस a, तो a बाय माइनस a कट के क्या आ गया, सॉरी माइनस 1, तो tan थीटा माइनस 1 अगर है तो थीटा क्या हो गया 3π/4। आई होप क्लियर हुआ। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि इस ट्रायंगल का थीटा निकालूंगा, दैट इज दिस बाय दिस, तो a बाय a दैट इज, तो इसका मान आया तो 45 degree, तो बाहर वाले का 135 degree। तो अगर मेरे इंटरसेप्ट इक्वल, अच्छा अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो ये जाएगा 0, -a, 0 एंड इधर जाएगा 0, -a, तब भी ये वाला एंगल क्या जाएगा 135 degree। स्लोप निकाल लो, -1 आएगा इसका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके। तो अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो यस इन दैट केस m जो होगा वो क्या होगा -1, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। नाउ अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये a है तो ये a हो सकता है या ये माइनस ए भी हो सकता है। तो यानी कि y एक्सिस के ऊपर आने वाले वाला पॉइंट 0, -a या फिर 0, a, और ये पॉइंट है, तो आइदर लाइन इज दिस और ये लाइन रही तो एंगल क्या आ जाएगा, तो m आ जाएगा -1, और अगर ये लाइन रही तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल क्या आ जाएगा, इसका डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कर लो, तो इसका क्या जाएगा m, दैट इज 0 -a डिवाइडेड बाय a माइनस 0, that is a by a that is equal to 1, इसका स्लोप 1 आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो इन दिस केस स्लोप इज आइदर m इज आइदर +1 और तो +-1। तो अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है तो हमेशा लाइन की स्लोप क्या रहेगी +-1, और अगर स्लोप सॉरी अपना इंटरसेप्ट इक्वल है तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या रहेगी -1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ये नोट करो, छोटी छोटी बातें कर रहा, थोड़ी बड़ी बातें किया कर। क्या हो गया बे, ठीक है? देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स इंटरसेप्ट
are equal and it passes through 2, 3. ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जिसके फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या है, बराबर, एंड वो बराबर होने के बाद वो लाइन 2, 3 से पास कर दी, ठीक है, इस तरीके से. तो ये और ये बराबर, बात समझ आया? ऑब्वियसली दोनों का नेगेटिव इंटरसेप्ट हो नहीं सकता, अभी डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्लियर है. तो मान लो ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट ए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या जाएगी, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1, हाँ या ना? लेकिन क्योंकि y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट बराबर है तो a इज इक्वल टू b होगा, तो मैंने b की जगह a पुट कर दिया, तो क्या आ गया, x बाय ए प्लस y बाय ए इक्वल टू, तो एलसीएम सेम लेके a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x बाय प्लस y इज इक्वल टू, अब ये वाली लाइन आ गई जिसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बराबर है, हाँ या ना? तो ये वाली लाइन 2, 3 से पास करती है, तो 2, 3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2, 3 पुट किया तो क्या आ गया, 2 + 3 a, तो a क्या आ गया, तो a को इस इक्वेशन में 5 पुट करो, तो इक्वेशन इज x plus y is equal to, तो ये वो इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बराबर है, प्लस ये 2, 3 से पास करते हैं. आई होप क्लियर हुआ. अच्छा, इसको करने को मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, क्या मुझे मालूम है जिसका इंटरसेप्ट बराबर होता है उसका स्लोप क्या होता है, -1. 0.2, 3 है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, तो y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, ये इधर, तो x प्लस y दैट इज इक्वल टू 3 + 2. तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके, मैं डायरेक्टली पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके भी कर सकता हूँ, बट इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए माइनस 1 होता. ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर. राइट, नोट करो, नोट करो, ये नोट करना और अगला क्वेश्चन देखना जरा, ये तो मैं खुद करने हैं अभी.
हाँ जी कल टेस्ट है जी सर, किसका है मैं बता दो। देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट फाइंड द लाइन इफ इट्स वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द एक्स इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट अगर बी है तो बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए होगा, हाँ या ना, है ना। जो वाई इंटरसेप्ट है वो ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, तो बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू वन, तो बी की जगह टू ए पुट किया, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय टू ए दैट इज इक्वल टू वन। एंड ऊपर से फोर कोमा माइनस टू से पास करिए, तो एक्स को फोर पुट किया, वाई को माइनस टू, तो आ गया माइनस टू बाय टू ए दैट इज इक्वल टू वन। तो टू टू कटा, तो फोर बाय ए माइनस वन बाय ए दैट इज इक्वल टू वन, तो थ्री बाय ए दैट इज इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू थ्री। अब ए थ्री है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया थ्री, और वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा थ्री टू द सिक्स। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इधर से आएगी, ए को डायरेक्टली थ्री पुट कर दो, तो क्या आ गया x बाय थ्री प्लस वाई बाय सिक्स दैट इज इक्वल टू वन। एलसीएम ले लो, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। माइनस वन की तरफ से जो हमने और कैसे फॉर्मूला लिखा था, y माइनस और x माइनस जीरो इक्वल टू माइनस वन किया था। हाँ तो उसके साथ ये तो मेरी y प्लस वो फॉर्मूला नहीं था, वो क्वेश्चन था, वो वैसे ही इसपे वो जनरल क्वेश्चन नहीं था, वो जनरल कोई फॉर्मूला नहीं था, वो तो है ही अलग चीज। अब देखो अगला, यहाँ अटक गया था मैंने, वो तो निकाल लिया था, बी आ गया था बाद में अटक गया। ठीक है अभी समझाना ठीक। अगला अब देखो एक चीज समझना इधर प्लीज, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें काफी अच्छी चीज पता चलेगी। हमारे पास अभी तक अगर देखा जाए इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दो फॉर्म ऐसी हैं जिसको किसी भी लाइन को इन दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मैंने क्या किया, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो बी से डिवाइड कर दिया, तो वाई क्या आ गया माइनस ए एक्स माइनस सी बाय बी बाय बी, बी से डिवाइड कर दिया। तो इसको कंपेयर करूंगा मैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो मेरा क्या बनेगा, ये आ जाएगा m और ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या जा रहा है, माइनस e बाय बी, ये चीज कॉन्स्टेंट, एंड m क्या जा रहा है, स्लोप क्या जा रहा है, माइनस a बाय बी। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes, किसी भी लाइन ax प्लस by प्लस c का को मैं बेसिकली y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिर कंपैरिजन से m निकाल सकता हूँ और y इंटरसेप्ट निकाल, c यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है तो मैं y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ। ये समझ में आया? श्योर? अच्छा यहां से तुम्हें ये भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे से हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे। क्या कि ax प्लस by प्लस c मतलब सब कुछ एक तरफ है इक्वल टू जीरो है, इस वाली फॉर्म लाइन की जो फॉर्म है लाइन की, इसके थ्रू स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस ए बाई बी ना, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए, ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बी क्या है कोफिशियंट ऑफ वाई, तो ये इस लाइन का स्लोप आएगा। मतलब जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो इसका स्लोप क्या है माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, तो इसका स्लोप माइनस 2 बाई 3, दैट्स इट। हम डायरेक्टली याद रखेंगे, क्लियर हुआ? अगर नहीं डायरेक्टली याद रखना
तो इसको y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू एवरीथिंग कर दो, तो y इक्वल टू एवरीथिंग करके जो x का कोफिशियंट आएगा वो क्या होगा, स्लो, वहां से भी यही आएगा बाय द वे, तो डायरेक्ट याद रखो। अच्छा मान लो इधर ऐसा होता माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, अब इसका स्लोप क्या आता, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ x, दैट इज माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो टू बाय थ्री। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अब इसी को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो कैसे, देखो इसको लिखा मैंने ax plus by equal to minus u, हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या, x by x intercept plus y by y intercept, that is equal to, तो equal to 1 होना चाहिए, and x and y को coefficient numerator में क्या होना चाहिए, 1। देखो इधर भी numerator में 1 है इसके साथ, इधर भी 1 है, denominator में सब कुछ है, और इधर भी 1 है constant term, हाँ है ना। तो मेरा मोटिव यह है कि अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इधर क्या बनाना है, 1, तो मैंने माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया x a x by minus c plus b y by minus c, that is equal to 1, तो इधर तो 1 आ गया, तो न्यूमरेटर में भी इधर x and y का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1, तो a को लेगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय b, that is equal to 1, यानी कि ये वो लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी बाय a, y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी बाय x by x intercept plus y by y intercept equal to 1. I hope clear हुआ। तो किसी भी line की equation, किसी भी equation को, linear equation in two variable को, मैं slope intercept form में convert कर सकता हूँ, right? उसको intercept form में convert कर सकता हूँ। अब जैसे ये केस था, मान लो मेरे को इसका x intercept y intercept एक साथ में निकालना, तो मैंने क्या किया इसका, ध्यान से देखना, y को इधर लेके आया, तो ये बन जाएगा 7x minus 5y equal to 12. ठीक है, फाइव वाई को इधर लिखा है, 12 से डिवाइड किया, तो 7x by 12 minus 5y by 12, that is equal to 1, हाँ है ना। अब ऊपर क्या चाहिए, 1, तो 7 को नीचे ले आया, तो x divided by 12 by 7, ऊपर चाहिए 1 plus 1, तो minus 5 को नीचे लेके आऊंगा, तो plus y divided by minus 12 by 5, ये क्लियर हुआ, minus 5 को नीचे लेके आया 12 के, that is equal to 1, तो डायरेक्ट ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, 12/7, y इंटरसेप्ट क्या है, -12/7। आई होप क्लियर हुआ। तो ये है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा, अब इसी को अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या जाएगा, तो y इक्वल टू एवरीथिंग करना है, तो 12 को इधर ले आओ, तो 5y क्या आया, 7x minus 12, 5 से डिवाइड कर दिया, तो y इक्वल टू 7/5x minus 12/5, तो इसका स्लोप क्या है, 7/5, एंड इसका y इंटरसेप्ट क्या है, -12/5, तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये चीज क्लियर हुई, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। तो ये एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है, राइट? नोट करो, नोट कर लो। क्या बोल रहा, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 इफ लाइन इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट, मतलब 2,3 से पास करने वाली वो लाइन निकालने जो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है, तो अज्यूम करो ये एक्स इंटरसेप्ट ए है इसका, तो ये पॉइंट आ गया ए कोमा जीरो, ये बी इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो 0,b, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो 0 प्लस ए बाय 2, दैट शुड बी इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4, बी प्लस 0 बाय 2, ठीक है, बी प्लस 0 बाय 2 वो क्या आ गया, 3, तो बी क्या आ गया, 6, यानी कि ये वो लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 4 होगा, वाई इंटरसेप्ट 6 होगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट 4 प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू 1। That's it. Sir, मुझे एक question पूछना है, मैं तो भूल गया। Bisected at that point, मतलब वो midpoint act करेगा।
मिड पॉइंट मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगी। मुझे काटनी है इसको, वो मतलब यही हो गया। नहीं परपेंडिकुलर वर्ड तो जबरदस्ती घुसा रहा है, परपेंडिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। ये पॉइंट डिवाइड करता है, पॉइंट परपेंडिकुलरली थोड़ा ना डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा ना। यानी कि ये पॉइंट ऐसा है सच दैट ये लेंथ और ये लेंथ क्या है बराबर। दैट्स इट। ठीक है चले ऑनलाइन चले। राइट लास्ट क्वेश्चन देखो। If intercept of line between coordinate axes is divided by the point in the ratio 1:2, अब इस बार वो क्या बोल रहा है कि ये है हमारा -5.4, ठीक है? In 1:2 वो डिवाइड कर रहा, ठीक है? मतलब अच्छा याद रखना उसने बोला नहीं कि ये 1:2, ये 1:2 है या ये 1:2 है, मतलब x एक्सिस वाला डिस्टेंस रेशो y एक्सिस वाला डिस्टेंस 1:2 है या y एक्सिस वाला डिस्टेंस y एक्सिस। तो याद रखना ये इन जनरल जो बोलता है ये x एक्सिस पहले बोलता है y एक्सिस बाद में बोलता है, यानी कि ये एक्चुअली में x एक्सिस रेशो y एक्सिस वाला रेशो डिस्टेंस है, तो ये 1:2 है, ये ऐसे बोलता है, ये स्टैंडर्ड होता है इसका, ठीक है? तो ये अगर a है अगेन ये b है, तो ये 0.b एंड ये a.0। नेगेटिव मत लेके जाना, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आएगा। हमें जबरदस्ती ऐसा नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है तो अपने आप माइनस ही लेके जाना, नहीं अपने आप नेगेटिव आएगा। देखो 1:0 प्लस 2:a डिवाइडेड बाय 2+1 3, दैट शुड बी इक्वल टू -5। तो 2a इज इक्वल टू माइनस, तो a इज -15/2। नाउ b प्लस 0/2 दैट इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल सॉरी एक सेकेंड मिडपॉइंट नहीं है ना, तो 2:0 प्लस 1:b डिवाइडेड बाय 2+1 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो b क्या आ गया 12। तो x बाय x इंटरसेप्ट -15/2 प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज 12 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज अ फाइनल इक्वेशन। क्लियर हुआ ऑनलाइन? क्लियर हुआ? यस सर। ये जो कन्वर्जन हमने की है ना, इसी कन्वर्जन के रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड देखना जरा।
y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट थ्री एच प्लस एट, तो इसका स्लोप क्या जाएगा माइनस रूट थ्री एंड y इंटरसेप्ट क्या जाएगा एट, दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू वन होना चाहिए, तो रूट थ्री इसको इधर ही रखो, एट को उधर ले जाओ, तो ये बन गया रूट थ्री एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एट, एट से डिवाइड कर दिया तो ये डिवाइडेड बाय एट, ये डिवाइडेड बाय एट। अब ये रूट थ्री नीचे लेके आना है, तो रूट थ्री नीचे लेके आके रूट थ्री, तो एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन, तो ये जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, ये जाएगा वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? यस सर। अलग एकम नाउ, अब ध्यान से देखो कि क्या बोल रहा है भाई, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, तो पहली बात पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, तो स्लोप जीरो। अब याद करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या जाएगा माइनस के माइनस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज माइनस ऑफ फोर माइनस के स्क्वायर। हाँ या ना अक्षय? नहीं क्लियर हुआ? हमने अभी क्या बोला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। हाँ है ना, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस माइनस कटा तो दिस इज एम ना, दिस इज स्लोप। अब अगर ये स्लोप है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप क्या होती है, जीरो, तो इसको कर दिया जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई के ये तो गया, तो बचा के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो के इज, तो इसको k को 3 पुट कर दो, तो हमें वो लाइन मिल जाएगी इसके ये इसके जैसी, जो कि इसी के थ्रू मिलेगी, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ है ना, अब पैरेलल टू y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो स्लोप नॉट डिफाइंड कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो डिनोमिनेटर जीरो मतलब 4 माइनस k स्क्वायर इज जीरो, तो k इज प्लस माइनस 2, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर k को प्लस माइनस 2 पुट कर दो, तो दो इक्वेशन मिलेंगे तुम्हें। राइट, वो दोनों लाइंस वो होंगी जो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब पासिंग थ्रू रीजन, तो रीजन से पास कब करेगा, जब 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो 0,0 सेटिस्फाई करने का मतलब ये जीरो, ठीक है, एक्स को जीरो पुट किया, ये जीरो माइनस ये जीरो प्लस, तो के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, सबट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म से ये क्या जाएगा, k माइनस 1 इनटू k माइनस 6 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू 1 या फिर 6, बात करते हैं। तो फर्स्ट के लिए k क्या आ रहा है, 3, सेकंड के लिए k क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2, थर्ड के लिए k क्या आ रहा है, 1,6। हां जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक, पासिंग थ्रू ओरिजन ना, ओरिजन मतलब 0,0, तो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इधर 0 पुट कर दिया, इधर 0 पुट कर दिया, तो ये सारा तो सारा गया, तो बचा दिस इक्वल टू 0, मतलब दिस इक्वल टू 0, सबट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म से ये बन गया, तो इसको 0 किया k1, इसको 0 किया k6, बात खत्म। हां, x एंड y दोनों 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए। चले एक साथ नोट कर ले, पहले देख ले अगला। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ट्राइंगल, सॉरी अपना एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन, देखो यार एक समझो पॉइंट, अगर हमें x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 पता है, तो याद है हमने फॉर्मुला ऑलरेडी देखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने का, तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, तो इन दोनों को पकड़ा, तो मैंने क्या किया y की जगह क्या डाल दिया, इसको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ना, तो y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x, मैंने दिस माइनस दिस किया, तो y माइनस y 0, 2x माइनस x, तो x इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों लाइंस का y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x क्या है, 0। अब इसका y, तो इसी x को 0 पुट किया इसके अंदर, तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू, तो 0,0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन। अब इन दोनों को पकड़ना, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो नाउ y इक्वल टू x है ना, y इक्वल टू x के साथ सॉल्व करना है, तो y इक्वल टू 3x प्लस 4, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो देखो y इक्वल टू x है, तो इधर y की जगह क्या डालूंगा मैं,
एक्स साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वो वाले मेथड जो थे तुम्हारे टेंथ के, तो y इक्वल टू x इधर डाल दिया, तो x क्या आ गया 3x प्लस 4 को इधर ले आओ माइनस 4, x को उधर ले जाओ 2x, तो x की वैल्यू तो ये माइनस 2 कोमा, अब x माइनस 2 है तो y भी क्या होगा, तो माइनस 2 कोमा माइनस 2, अब ये वाला पॉइंट, अब इन दोनों को करना, तो इन दोनों को करने के लिए इन दोनों को, तो y की जगह क्या डालूंगा मैं, तो इधर आ गया 2x, तो 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 4 इधर 2x इधर, तो माइनस 4 इक्वल टू, तो x आ गया माइनस 4, अब x माइनस 4 है तो y क्या आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2, तो ये तीन पॉइंट्स आ गए, तो जैसे तीन पॉइंट्स है याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0 0 1 x1 y1 1 फिर माइनस 2 माइनस 2 1 फिर लास्ट में माइनस 4 माइनस 8 1, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर ये दो तरीके बताए थे ना मैंने डिटर्मिनेंट मेथड, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस चलो डन, थैंक यू, कल मिलते हैं।